तो आज की इस वीडियो में अपन कॉलेज प्रोजेक्ट के कुछ टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं। जब भी आप माइनर और मेजर प्रोजेक्ट बनाते हो तो दो तीन चीजों का ख्याल आपको रखना चाहिए। द फर्स्ट मेन थिंग इज कि आपको टीम लीडर बनने का कोशिश करना है। जब भी आप टीम लीडर बनते हो ना तो ये आपके लाइफ टाइम के लिए हो जाता है। देखो, कॉलेज का जो माइनर प्रोजेक्ट एक ही बार आएगा, मेजर प्रोजेक्ट एक ही बार आएगा, लेकिन उसमें जो आप टीम लीडर बनके टीम को लीड करते हो ना, ऑफ कोर्स ऐसा कोई ट्रेनिंग नहीं होती उसकी कि आपको सीखना है कैसे टीम लीड करते हैं ऑल, आप खुद ही सीख जाओगे। क्योंकि आप माइनर प्रोजेक्ट कर रहे हो तो आपके टीम में जितने हैं सारे फ्रेशर्स हैं, सारे नूब हैं उसमें, तो उसे मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि कौन किसको क्या रोल मिला। जब आप फ्रेशर एज अ फ्रेशर किसी प्लेसमेंट बैठोगे ना तो आपसे पूछते हैं कि उस आपने जो प्रोजेक्ट बनाया उसमें आपका रोल क्या था। तो जब आप बोलते हो टीम लीडर तो वो आपके इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं कि इसमें क्या चैलेंजेस रहे हैं आपके, कौन सा ऐसा फेज था जहां बहुत कुछ आपको सीखना पड़ा, इसमें आपको क्या मोटिवेशन मिला, आगे आप कैसे चीज़ों को मैनेज करोगे। तो माइनर एंड मेजर प्रोजेक्ट सिर्फ कॉलेज के लिए नहीं होते, वो आपको प्रिपेयर कर रहे होते हैं आपको अपकमिंग आपके कंपनीज के लिए, आपके प्लेसमेंट्स के लिए। तो प्लेसमेंट में इसका बहुत बड़ा रोल होता है जो स्टूडेंट अक्सर इग्नोर कर देते हैं प्लेसमेंट के टाइम में, सोचते हैं। तो कॉलेज का जो प्रोजेक्ट है ना, बस इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं कि जब आप अपने रेज्यूमे में लिखते हो कि ये प्रोजेक्ट पे हमने काम करी है, ये चीज़ें हैं आपके सामने ले लो, तो आप उसे बताते हो कि आप टीम लीडर थे या नहीं। वो एक्सपेक्ट करते हैं ये भी कि ये बंदा टीम लीडर होना चाहिए, एक ज़्यादा ज़्यादा इसने काम किया हो। अगर आप ज़्यादा ज़्यादा उस प्रोजेक्ट पर आपने काम करी है, आप टीम लीडर था, आपने मैनेज करी चीज़ों को फ्रंट इन बैक इन, और ये कंप्यूटर साइंस वालों के लिए है इसलिए मैं बोल रहा फ्रंट इन एंड बैक इन, तो आपने ये इतनी सारी चीज़ें जब आप मैनेज किए हो तो उन्हें लगता है कि आपने मेहनत किया है, आपने इस पर वर्क किया है और आप उसके लायक हो। कंपनी आज के टाइम में क्या होती है ना कि चाहती है ऐसे बंदे को हायर करना जो एक बार में दो या दो से अधिक 5-10 काम कर सके, 2-3 एम्प्लॉय के बराबर एटलीस्ट वो कर सके, ठीक है। तो प्लेसमेंट नहीं होना उनको लग जाता है यार ये बंदा तो 4 आदमी या 2 आदमी का भी काम खुद अकेला भी नहीं कर पाएगा, उनको आपके बातों से लग जाता है, आपके वर्क कॉलेज एक्सपीरियंस। लोग बोलते हैं ना एज ए फ्रेशर ज्वाइन कर रहा हूँ, तो एज ए फ्रेशर सबकी प्लेसमेंट क्यों नहीं होती फिर। एज ए फ्रेशर भी आपके पास कितना एक्सपीरियंस है कॉलेज प्रोजेक्ट का, नॉलेज का, माइनर एंड मेजर ये सारे प्रोजेक्ट्स का, एज ए फ्रेशर भी आपको कितना नॉलेज है। बहुत से लोगों को एज ए फ्रेशर प्रोजेक्ट का नॉलेज नहीं होता, कोई एक्सपीरियंस नहीं होता और मुंह उठा के आ जाते हैं फ्रेश प्लेसमेंट में और फिर नहीं होता, रीज़न यही है। तो आप जब माइनर एंड मेजर प्रोजेक्ट कर रहे होते हो ना उस टाइम में इसका बहुत ख्याल रखिए कि आपको या तो टीम लीडर बनना है या आप सेकेंड टीम लीडर कह सकते हो, पर आपका उसमें कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। और हाँ, अगर आपका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा नहीं भी है ना तो एक गलती कभी मत करिएगा, एंड दैट इज कॉलेज प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी, जो जो प्रोजेक्ट आपने किए हैं उसके बारे में, चाहे उस पर वर्क किया हो आपने या नहीं, एक एक टूल्स का नॉलेज होना चाहिए। अगर छोटा सा कोई लाइब्रेरी उसमें यूज किया गया है तो कहाँ किया गया है, किस लिए किया गया है, इसका अल्टरनेट क्या हो सकता था, कौन सा ऐसा प्रॉब्लम आया जिसके लिए आपने ये लाइब्रेरी को चूज किया और क्यों चूज किया, उसके बारे में आपको आइडिया होनी चाहिए। तो ये अगर होगा आपके पास तो प्लेसमेंट में आपका एक अच्छा इंप्रेशन होने वाला है। तो इस चीज़ का आप हमेशा ख्याल रखिए, और इस तरह से क्योंकि आपके माइनर एंड मेजर प्रोजेक्ट के टाइम चल रहे हैं तो इस चीज़ को ध्यान में रख के आप काम करिए। और मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे। सही होगा।